गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल ललन ठाकुर टीचर्ज इंग्लिश आई ऑलवेज ब्रिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंग्लिश इन दिस चैनल सो आई हैव टॉट बिहार बोर्ड आई हैव टॉट एन सी आर टी बुक्स इन सी बी एस ई स्कूल्स आई माई सेल्फ हैव वर्कड इन अ सी बी एस ई स्कूल For a very long time, and here also I am making videos for you related to important points of English. So, today this is a very important topic about heart. So, we will here study the meaning of heart. ये हार्ट दिल ये दिल एच ई -E ए आर टी उच्चारण इसका होता है हार्ट अगर एच यू आर टी रहता तो उसको हॉट बोलते तो एच यू आर टी हर्ट और एच ई ए आर टी हार्ट आप इसको कभी हर्ट नहीं बोलेंगे ये हार्ट है तो ये हार्ट को मिला करके हार्ट को अटैच करके हार्ट से बना हुआ वर्ड कितना है फ्रेज कितना है ये देखिए इसी को हाईलाइट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मैं ये इंग्लिश का चैनल बनाता हूँ इंग्लिश का वीडियो बनाता हूँ अपने इस चैनल पे इसी तरह से ऑन फिफ्टीन ऑफ अगस्त ये पंद्रह तारीख इस महीने की उस दिन से मैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो बनाऊँगा हिंदी फॉर ऑल क्लासेज टेन एलेवन एंड ट्वेल्व ओके okay, तो ये टेन एलेवेन्थ और ट्वेल्थ के लिए मैं हिंदी बनाऊंगा कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए हिंदी बनाऊंगा व्याकरण की तैयारी कराऊंगा तो ये मेरा चैनल ललन ठाकुर टीचर इंग्लिश इंग्लिश की पढ़ाई इस चैनल से बहुत अच्छी हो चुकी है और थोड़ा मोड़ा जो बाकी है सो हो रहा है वो होता रहेगा और हिंदी भी पढ़ाई जाएगी तो ये पंद्रह अगस्त फिफ्टीन ऑफ अगस्त को हिंदी का वीडियो आप देखेंगे ये ललन ठाकुर टीचर्स इंग्लिश चैनल से सो आई एम हियर गोइंग टू रीड दिस वीडियो दिस इंपॉर्टेंट वर्ड हार्ट सो यू हैव रेड द एक्सप्रेशन नॉट टू लूज हार्ट या आपने पढ़ा होगा कि नॉट टू लूज हार्ट दिल नहीं खोना नॉट टू लूज हार्ट को हम लोग बोलते हैं हारिए मत हिम्मत नहीं छोड़िए हारिए ना हिम्मत बिसरिए ना हरी नाम तो ये नॉट टू लूज हार्ट तो ये नाउ फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग द वर्ड हार्ट यूज ईच ऑफ देम इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन आपको इस फ्रेज का मीनिंग समझने के लिए इससे ट्रांसलेशन बनाना है इसका सेंटेंस बनाना है सेंटेंस फॉर्म करना है ब्रेक समबडी इज हार्ट किसी का दिल तोड़ना तो सेंटेंस होना चाहिए इसका डोंट ब्रेक एनी बडी इज हार्ट किसी का दिल मत तोड़ो क्लोज डियर टू हार्ट बहुत करीबी होना प्रिय होना द पेंटिंग ऑफ द पेंटिंग ऑफ मोनालिसा इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट मोनालिसा की पेंटिंग को मैं बहुत पसंद करता हूँ वो मेरे दिल के करीब है तो ये थर्ड पॉइंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट अपने दिल की गहराई से इसका मीनिंग हुआ तो आई लाइक द पोएम्स रिटर्न बाय कम्पोज बाय वर्ड्स आई लाइक वर्ड्स वर्थ पोएम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट वर्ड्स की कविताओं को मैं दिल की गहराई से पसंद करता हूँ देन हैव ए हार्ट बहादुर बनिए डेयरिंग बनिए उसका मीनिंग है साहसी बनिए तो हैव ए हार्ट डोंट लूज योर हार्ट हैव ए हार्ट टू फेस द कंडीशन बैड कंडीशन कम इन आईल इन बैड बैड कंडीशंस कम इन लाइफ एंड आफ्टर सम टाइम दे गो सो श्योरली डोंट लूज योर हार्ट सो है हार्ट हैव ए हार्ट ऑफ स्टोन दिल कठोर करना समाइम्स वी नीड ए हार्ट ऑफ स्टोन समटाइम्स वी नीड ए हार्ट ऑफ ए स्टोन कभी कभी दिल कड़ा करना पड़ता है वेन वी हैव टू टेक एक्शंस अगेंस्ट आवर ओन नियर एंड डियर

माई हार्ट स्टार्टेड गोइंग बिहाइंड दैट द थीम ऑफ द स्टोरी सो वेन आई सॉ द डायड डांसिंग देन आर माई वेंट आउट टू समबड़ी सो आफ्टर सींग दिस व्यू आफ्टर सींग दिस सीन माई हार्ट गोज आउट टू दैट तो दिल किसी का हो जाना ये योर हार्ट गोज आउट टू समबड़ी सो माई डियर फ्रेंड दिस इज कॉल इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट हार्ट ये हार्ट से बना हुआ ये फ्रेज ये सब अगर याद हो जाए तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी सो so, मुझे लगा कि ऐसा टॉपिक वीडियो में होना चाहिए छोटा सा वीडियो मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया और उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर करेंगे लाइक करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे